हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक्निकल ट्रैवलर। तो आज का हमारा टॉपिक है DJI ड्रोन के जो दोनों हमारे पास कंट्रोलर हैं, इन दोनों के बीच में कंपेयर करेंगे और आपको सजेक्ट करेंगे कि दोनों में से आपको कौन सा लेना चाहिए। लेट्स स्टार्ट। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इन दोनों की स्क्रीन में। ये हमारा जो एडवांस्ड RC कंट्रोलर 2 है, इसमें 5.5 इंच की स्क्रीन है जिसमें कि 700 निट्स की ब्राइटनेस इसमें आपको मिल जाती है। एंड ये हमारा ओल्ड स्टैंडर्ड कंट्रोलर है, इसमें आपको ऑब्जर्वेशन के लिए, देखने के लिए ये इसमें अपना मोबाइल फ़ोन और बाकी चीज़ कनेक्ट करनी पड़ती है। तो ये क्वाइट बल्की हो जाता है। यदि इसमें अपना फ़ोन कनेक्ट करेंगे तो इसका टोटल वेट मोर देन 700 ग्राम के आसपास पहुँच जाएगा। और ये हमारा लाइट वेट है, लेस देन 400 ग्राम, और इसमें आप सारी डिस्प्ले और बाकी अदर फंक्शन है। तो इसमें प्री इंस्टॉल्ड ऐप आती है DJI फ्लाई की, और इसमें जितने फर्मवेयर वगैरह हैं, जितने भी अपग्रेड हैं, टाइम के साथ आपको मिलते रहते हैं। और इसको आप वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हैं। ये कंट्रोलर आपको वाईफाई से कनेक्ट नहीं होता है, इसके लिए आपको मोबाइल फ़ोन या टैबलेट की ज़रूरत पड़ती है। इसमें कनेक्ट करके आप देख सकते हैं। तो स्क्रीन के मामले में हमारा जो एडवांस वाला RC2 है ये बेटर है। तो दिस इज़ बेटर एज़ कम्पेयर टू दिस। एंड सेकेंड है कि फर्मवेयर अपडेट, और कोई भी इसमें अपडेट है, चाहे मैप के हो या कोई और हो, तो इसको अपडेट करने के लिए इसमें कोई वाईफाई से कनेक्ट नहीं होता है। इसमें आपको मोबाइल फ़ोन को कनेक्ट करना पड़ता है, उसके बाद अपडेट कर सकते हैं। और ये इसको आप मोबाइल फ़ोन वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हैं और ये ऑटो अपडेट में चला जाएगा। एंड थर्ड पॉइंट है इसकी बटन्स वगैरह जो इसमें बने हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें फ़ोटो और वीडियो दोनों चीज़ें एक ही बटन में हैं। तो कई दफ़े आपको कन्फ्यूजन हो जाता है कि इसको अब आपने क्लिक किया कि वीडियो मोड में हुआ या फोटो मोड में, जबकि इसमें ऐसा नहीं है। इसमें आपको दोनों अलग अलग मिलते हैं। जो लेफ्ट साइड में है ये वीडियो मोड के लिए है और ये फोटो मोड के लिए। तो इसकी मदद से आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं यहाँ पे। और इसमें एक बेनिफिट ये भी है कि इसमें एक मेमोरी कार्ड का स्लॉट भी है, तो जो भी आप शूट कर रहे हैं ऑनलाइन ट्रांसमिशन के थ्रू, आप मेमोरी कार्ड में शूट कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, और यहाँ पर ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। अब आते हैं इसकी जॉयस्टिक पे। तो जैसा आप देख सकते हैं, इसका जो स्क्रोल व्हील है वाइट, आपको इस तरह से इसको लगाना पड़ता है। यहाँ पे दोनों कंट्रोलर के अलग अलग हैं, आप इसका जॉयस्टिक इसमें यूज़ नहीं कर सकते। और इसमें तो देखिए, और जॉयस्टिक की बात करें तो ये कॉम्पैक्ट है, इजी टू हैंडल है, और ये बहुत स्मूथ है एज़ कम्पेयर टू इस वाले कंट्रोलर के। देख सकते हैं साइज पे, ऑल लेंथ विड्थ हाइट, जो ये RC2 वाला कंट्रोलर है, डिस्प्ले वाला, ये साइज में बिगर है। तो फ्रेंड्स, इस वाले कंट्रोलर को रखने का फ़ायदा ये होता है कि इसमें आपको एडवांस जॉयस्टिक और इसमें आपको एडवांस रडार सिस्टम मिल जाता है ट्रांसमिशन के लिए। तो इसकी लेंथ ज़्यादा रहती है, और फोटो और उनके लिए अलग अलग हैं, जूम इन और आउट के लिए सेपरेट इसमें बटन दिए हुए हैं, के लिए अलग अलग मोड हैं। इसमें आप मेमोरी कार्ड इसमें इंसर्ट कर सकते हैं, ये चार्जिंग के लिए और ये मेमोरी कार्ड के लिए। तो जो भी इसमें आप शूट कर रहे हैं इसको स्टोर कर सकते हैं। ये एक फ़ैन बना हुआ है ताकि इसकी हीटिंग मेंटेन रहे। तो ये काफ़ी एडवांस ड्रोन है, एंड ये हमारा ओल्ड ट्रेडिशनल है। अब बात करते हैं इनकी प्राइस की। तो इस वाले कंट्रोलर की प्राइस पड़ेगी आपको डॉलर्स में $369 इंडिविजुअल, और इसकी प्राइस है $129। जैसे आप देख सकते हैं प्राइस में डिफरेंस है, उसी हिसाब से क्वालिटी भी है। और यदि आप कोई नया ड्रोन ले रहे हैं, तो मेरी एडवाइस यही है कि आप इस वाले कंट्रोलर को सेलेक्ट करिए। इसमें काफ़ी एडिशनल फीचर है और ये आपको स्मूथ एक्सपीरियंस देगा। थैंक यू सो मच।